Hey students and friends, welcome to our e-learning class. Today in standard 9 we are solve exercise 2.2 question number 4. Okay, question number 3 are solved in our previous class. Okay, उसमें क्या था कि जीरोस है कि नहीं ऐसा वेरीफाई करना था. ओके, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स. क्या फाइंड करना है? जीरो. ओके, तो जीरो कैसे फाइंड करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक हियर पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो. ओके, हमें क्या फाइंड करना है? जीरो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो. ओके, नाउ हियर पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव. ओके, सो हियर राइट एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो. ओके, therefore here x plus 5 equal to 0, it means x equal to minus 5, because plus 5's transfer from another side of equal to, so plus 5 becomes minus 5 and x equal to minus 5. Okay, so here we get x equal to minus 5, it is the 0 of this polynomial p of x equal to x plus 5. ओके, ये जो आंसर है x इक्वल टू माइनस फाइव. ओके, ये पॉलिनोमियल्स का क्या है? जीरो. ओके, जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में वेरीफाई किया था, सपोज कोई वैल्यू है x, सपोज कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3. ओके, एक्स क्यूब प्लस x. ओके, एंड पुट x इक्वल टू जीरो. ओके, तो ये वैल्यू हमने पुट करनी थी. ओके, और चेक करना है कि ए वैल्यू ये पॉलिनोमियल्स का जीरो है कि नहीं. ओके, सपोज एक्स इक्वल टू जीरो में आप पुट करता हूँ एक्स क्यूब जीरो प्लस एक्स जीरो, इट मीन्स दिस पॉलिनोमियल्स इज बिकम्स जीरो. इट मीन्स एक्स इक्वल टू जीरो इज पॉलिनोमियल्स ऑफ दिस इक्वेशन पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स. वैसे ही यहाँ करना है जो फर्स्ट सम है. ओके, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. यहाँ डायरेक्टली गिवन थी क्वेश्चन नंबर 3 में, जो क्वेश्चन था उसमें एक्स की वैल्यू गिवन है. ओके, बट हियर द वैल्यू एक्स की हमें क्या करनी है? डिराइव करनी है, देन चेक करते हैं हम कि जीरो है कि नहीं. ओके, मैं पुट करता हूँ सपोज हियर पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5. एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस 5. मीन्स हियर राइट माइनस 5 प्लस 5. माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल आउट. ओके, मीन्स जीरो. ओके, तो मैंने क्या किया कि एक्स की वैल्यू मैंने क्या पुट की? माइनस 5. जो मैंने पहले डिराइव की, मैंने फाइंड किया, वो वैल्यू मैं यहाँ लिखता हूँ माइनस 5. देन जो भी रिलेशन है दोनों का, ओके, और ये माइनस 5 है, ये प्लस 5. ओके, कैंसिल होके क्या हो जाता है? जीरो. इट मीन्स माइनस 5 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सेम ही है. ओके, फर्स्ट आवर फर्स्ट टाइम इज टेक पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो. अगर हमें कोई भी क्वेश्चन है कैसा फाइंड द जीरोस, ओके, जीरोस फाइंड करना है, सो वी टेक पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो. जो भी पॉलिनोमियल्स है उसका जो पी ऑफ एक्स है इसके इक्वल टू हमें क्या लेना है? जीरो. ओके, देन पुट वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है? एक्स माइनस 5 इक्वल टू जीरो. ओके, देयर फॉर एक्स इक्वल टू हियर 5, सो एक्स इक्वल टू 5. ओके, यहां भी हमें लिखना है हियर माइनस 5 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5. सेम वे यहां भी हमें लिखना है हियर x इक्वल टू 5 इज द जीरो इज द, यहां निकाल देता हूं, इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स p ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5. ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2. नाउ मैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 p फर्स्ट स्टेप ओवर इज p ऑफ x इक्वल टू 0, देन 2x प्लस 5 इक्वल टू 0. ओके, पी ऑफ एक्स की जो भी वैल्यू है
वह हमें यहाँ लिखना है। देन सिंप्लीफाई करना है, 2x इक्वल टू प्लस 5 है, इक्वल टू के अदर साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 5। ओके, देन 2x इक्वल टू माइनस 5, सो हियर x इक्वल टू माइनस 5 बाई 2, ये मल्टीप्लीकेशन में है। ओके, इक्वल टू के अदर साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में तो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। ओके, देयर फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस 5 बाई 2। ओके, देयर फॉर हियर x इक्वल टू माइनस 5 बाई 2 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स क्या है हमारा, p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 5। ओके, सभी क्वेश्चन इसी तरीके से ही सॉल्व करना है। ओके, p ऑफ x इक्वल टू 0 लेना है, देन p ऑफ x की वैल्यू पुट करना है, देन बेसिक ऑपरेशन है प्लस माइनस एडिशन। ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, वो परफॉर्म करके एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, जो भी वैल्यू आएगी एक्स की वो क्या हो जाएगा हमारा, 0 ऑफ दिस गिवन पॉलीनोमियल्स। ओके, अब मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2। सो वी टेक हियर पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, therefore the value of p of x equal to 3x minus 2 equal to 0, then 3x equal to plus minus 2, okay, ye ho jayega plus 2, then x equal to 2 by 3, okay, to ye ho gaya zeros of this polynomial. See here x equal to 2 by 3 is 0 of polynomials p of x equal to 3x minus 2. Now question number 5. Okay. एकदम इजी है सम, p ऑफ x इक्वल टू 0. ओके, वो है p ऑफ x इक्वल टू 3x. सो वी टेक हियर p ऑफ x इक्वल टू 0. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ p ऑफ x इक्वल टू हियर 3x इक्वल टू 0. ओके, हमें ये मल्टीप्लीकेशन में है 3x के साथ, वो डिवीजन में आ जाएगा x इक्वल टू 0 बाई 3. So here x equal to 0 divided by any number is it becomes 0. So x equal to 0. Okay. Here x equal to 0 is 0 of polynomials p of x equal to 3x. Okay. आप x की value 0 put करके यहाँ suppose x इक्वल टू पुट हियर 0, देन 3 मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा, 3 इन ब्रैकेट 0, सो इट बिकम्स 0. ओके, तो आप वैल्यू पुट करके, जो भी आपने x की वैल्यू फाइंड की है वो पुट करके भी आप वेरीफाई कर सकते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6, p ऑफ x इक्वल टू ए एक्स. ए है ए एक्स वेर ए इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, सपोज ओके ए इज नॉट इक्वल टू 0, सपोज ए इक्वल टू 0 है तो ये वैल्यू क्या हो, ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, ये टर्म क्या हो जाएगी, 0. ओके, सो हियर ए इज नॉट इक्वल टू 0, कोई नंबर है. ओके, एनी नंबर. नाउ फर्स्ट स्टेप इज पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, नाउ पुट द वैल्यू ए एक्स इक्वल टू 0, सो एक्स इक्वल टू 0 अपन ए, देयरफॉर 0 डिवाइड बाय एनी नंबर. ओके, तो 0 डिवाइड बाय ए इट बिकम्स 0. हियर एक्स इक्वल टू ए, सॉरी एक्स इक्वल टू 0 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स. ओके, ये भी आप वेरीफाई कर सकते हो. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, पी ऑफ एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, वेर सी इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज सी कोई भी नंबर है. ओके, इसके लिए हमें लिखना पड़ता है कि सी इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन है. ओके, देन सी एंड डी आर रियल नंबर्स, ये कोई रियल नंबर है. ओके, नाउ पुट, नाउ टेक पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0. ओके, जीरो फाइंड करने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लेना है, देन पुट पी ऑफ एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0. सेम वे सी एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस डी,
प्लस डी इक्वल टू इसकी अपोजिट साइड जाएगा, देयर फॉर ये क्या हो जाएगा माइनस डी। नाउ एक्स इक्वल टू माइनस डी अपन सी, सी यहाँ मल्टीप्लीकेशन में इक्वल टू की अपोजिट साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा डिवीजन में और डिनोमिनेटर में। ओके तो ये वैल्यू हो गई एक्स की। ओके तो ये हमारा जीरो हियर एक्स इक्वल टू माइनस डी बाई सी, एक्स इक्वल टू माइनस डी बाई सी इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। ओके अब मैं वेरीफाई करता हूं। ओके ये क्वेश्चन 1 to 5 1 to 6 आप खुद ही कर लेना, ये लास्ट वन है वो मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूं। ओके कैसे वेरीफाई करना है, सपोज पी ऑफ एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। ओके ये जो क्वेश्चन है यहाँ फिनिश होता है, लेकिन मैं वेरीफाई करता हूँ आपको ज्यादा समझ है इसलिए। ओके पी ऑफ एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। ओके अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ, एक्स की वैल्यू क्या है हमने जो फाइंड की वो माइनस डी अपन सी। ओके सो हियर सी द वैल्यू ऑफ एक्स इज माइनस डी बाई सी प्लस डी। ओके तो सी सी है उसका और जो ये टर्म है माइनस डी बाई सी वो दोनों का रिलेशन क्या है मल्टीप्लीकेशन, देयर फॉर यर सी सी कैंसल आउट द रिमेनिंग इज डी प्लस डी, माइनस डी प्लस डी बिकम्स जीरो। ओके तो दैट्स वाई एक्स इक्वल टू माइनस डी बाई सी इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके आप जीरो भी फाइंड कर सकते हो और उसको वेरीफाई भी कर सकते हो। ओके नाउ एक्सरसाइज 2.3। ओके तो ये एक्सरसाइज 2.3 है। ओके पहले जो सम किए उससे थोड़ा डिफरेंट है। ओके जो क्वेश्चन नंबर वन है फाइंड द रिमाइंडर। ओके हम डिवीजन करते हैं, फॉर एग्जांपल 13 डिवाइड बाय 4 तो 4 थ्री जा 12 हियर दिस वन इज द रिमाइंडर, क्या बोलते हैं उसे रिमाइंडर। ओके फाइंड द रिमाइंडर व्हेन डैश एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन डिवाइड बाय। ओके हम डिवीजन करना है। ओके फर्स्ट ऑफ उसका जो डिवीजन करना है पहले किस नंबर से करेंगे, एक्स प्लस वन से, देन एक्स माइनस वन बाय टू से, देन एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस पाई देन फाइव प्लस टू एक्स। ओके तो ये सभी से हमें डिवीजन करना है। ओके लेकिन यहाँ हम कंपलसरी अगर आपको क्वेश्चन में कंपलसरी गिवन है कि डिवीजन ही करना है तो आप डिवीजन कर सकते हो। ओके उसमें डिवीजन ही करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आप जो दूसरी मेथड है ओके डायरेक्ट वैल्यू पुट कर ओके आप ये सॉल्व कर सकते हो। ओके ओके मैं फर्स्ट सॉल्व करता हूँ। ओके फर्स्ट वन इज हियर पी ऑफ एक्स इक्वल टू फर्स्ट वन इज एक्स प्लस वन। ओके सो हियर मैं क्या करूंगा एक्स प्लस वन, सो एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ओके सेम वे हमें जो जीरो फाइंड किया गया है ऐसे ही एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, देयर फॉर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वन, क्या हो गया माइनस वन। ओके तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई माइनस वन, वो वैल्यू पुट करना है जो भी क्वेश्चन है उसमें। ओके मैं लिखता हूं पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। ओके एक्स की जगह पे क्या लिखना है आपको माइनस वन, सो पी ऑफ माइनस वन इक्वल टू माइनस वन क्यूब थ्री माइनस वन स्क्वायर प्लस थ्री माइनस वन प्लस वन। ओके नाउ माइनस वन क्यूब माइनस वन थ्री टाइम्स माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन। ओके द वन वन जा वन एंड वन वन जा वन, लेकिन क्यूब है देयर फॉर एन साइन कौन सी होगी माइनस वन। ओके नाउ प्लस माइनस वन स्क्वायर माइनस वन इंटू माइनस वन तो क्या हो जाएगा वन माइनस वन इंटू माइनस वन, वन वन जा वन माइनस माइनस प्लस। ओके तो क्या हो जाएगा वन, देन वन इंटू थ्री क्या हो जाएगा थ्री, अगेन थ्री वन जा थ्री बट प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस देन प्लस वन।
ओके, प्लस थ्री माइनस थ्री, थ्री माइनस थ्री जीरो एंड वन माइनस वन इज जीरो. ओके, तो हियर रिमाइंडर इज जीरो. ओके, ये रिमाइंडर यहां क्या हो गए, जीरो. देन सेकंड वन, एक्स माइनस वन बाय टू. ओके, तो अवर फर्स्ट स्टेप इज एक्स माइनस वन बाय टू इक्वल टू जीरो. सो एक्स इक्वल टू वन बाय टू. ओके, एक्स इक्वल टू वन बाय टू, और ए वन बाय टू है, हमें यहाँ रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हमें पुट करना है. ओके, मैं पुट करता हूँ पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन. ओके, एक्स क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर थ्री एक्स प्लस वन. ओके, नाउ मैं पुट करता हूँ एक्स इक्वल टू कौन सी वैल्यू है, वन बाय टू. देयर फॉर हियर वन बाय टू, वन बाय टू क्यूब प्लस थ्री, वन बाय टू स्क्वायर प्लस थ्री, वन बाय टू प्लस वन. ओके, वन बाय टू का क्यूब करना है, मीन्स वन क्यूब वन एज इट इज होगा, देन टू क्यूब एट प्लस वन क्यूब वन, थ्री एज इट इज मल्टीप्लाई बाय वन बाय टू स्क्वायर इज फोर प्लस थ्री वन जा थ्री बाय टू प्लस वन. ओके, नया क्या होगा, वन बाय एट एज इट इज प्लस थ्री वन जा थ्री बाय फोर प्लस थ्री बाय टू प्लस वन. ओके, तो ये सभी का हमें क्या करना है, एडिशन. ओके, एडिशन के लिए बेसिक मेथड कौन सी है, एलसीएम इक्वल टू एलसीएम. ओके, ओके, तो हमें देखिए डिनोमिनेटर में एट फोर टू, और यहाँ क्या है, मैं लिख देता हूँ वन को वन बाय वन. ओके, तो एलसीएम के लिए क्या हो गया, इजी. ओके, तो हम सभी को डिनोमिनेटर में एट कर देते हैं, वन बाय एट तो है ही यहाँ, देन थ्री बाय फोर है तो क्या हो जाएगा, थ्री बाय फोर, फोर टू जेड, देन थ्री मल्टीप्लाई बाय टू. ओके, यहाँ देखिए फोर की जगह एडिशन करने के लिए हमारे पास डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए. ओके, तो मैं सभी को एट में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो यहाँ एट है तो मैं एज इट इज लिखता हूँ, देन फोर है तो फोर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूंगा तो एट होगा, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ टू, तो जो न्यूमरेटर है उसे मैं टू के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये साइन प्लस है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा प्लस. ओके, प्लस डिनोमिनेटर टू से, ओके टू है इसलिए हमें मल्टीप्लाई करना है, टू इंटू फोर एट, देन थ्री इंटू फोर प्लस. ओके, यहाँ वन है तो वन के साथ मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एट, देन एट, सो न्यूमरेटर इज एट. ओके, डिनोमिनेटर क्या होगा सभी का, एट, एट फोर टू जा एट, फोर टू जा एट, देन एट एज इट इज. ओके, नाउ वन प्लस थ्री टू जा सिक्स प्लस फोर थ्री जा ट्वेल्व प्लस एट. ओके, तो ये सभी का हमें क्या करना है, एडिशन. ओके, डिनोमिनेटर एज इट इज, ट्वेल्व प्लस एट ट्वेंटी, ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन. इट मीन्स एट थ्री जा ट्वेंटी फोर प्लस थ्री, इट इज द रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स. नाउ थर्ड वन, थर्ड वन इज x, क्या गिवन है x, सो इट टेक्स हियर x इक्वल टू जीरो. ओके, मैं वैल्यू पुट करता हूँ p ऑफ x इक्वल टू x क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन. ओके, जीरो क्यूब पी ऑफ जीरो, एक्स की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करनी है, जीरो, जीरो क्यूब प्लस थ्री इंटू जीरो स्क्वायर प्लस थ्री इन ब्रैकेट जीरो प्लस वन, जीरो क्यूब जीरो, जीरो स्क्वायर जीरो मल्टीप्लाई बाय थ्री मीन्स जीरो, थ्री थ्री इंटू जीरो जीरो प्लस वन, तो रिमाइंडर इज प्लस वन. ओके, नाउ चेक करता हूँ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक्स प्लस फाइव, सो एक्स
equal to, sorry, x plus pi equal to 0, so that x equal to minus pi. ओके, ये वैल्यू मैं पुट करता हूँ. p ऑफ x इक्वल टू, रिमाइंडर चेक करनी है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. ओके, p की जगह p ऑफ x, x की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करनी है, माइनस पाई. ओके, देन माइनस पाई क्यूब, देन 3 माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 माइनस फाइव प्लस 1. ओके, माइनस फाइव क्यूब, माइनस फाइव क्यूब एज इट इज. ओके, प्लस पाई स्क्वायर, 3 पाई स्क्वायर प्लस प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा, माइनस 3 पाई प्लस 1 इज द रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. ओके, फिफ्थ वैल्यू में पुट करता हूँ, 5 प्लस 2x. ओके, सो 5 प्लस 2x इक्वल टू 0, देयरफॉर 2x इक्वल टू माइनस 5. ओके, ये जो प्लस है उसे मैं इक्वल टू की अपोजिट साइड पे देता हूँ, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस 5. देन x इक्वल टू माइनस 5 बाई. ओके, एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस 5/2. ओके, वो मैं पुट करता हूँ, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. ओके, कौन सी वैल्यू लेनी है, पी ऑफ माइनस 5/2. ओके, वैल्यू इस तरह पे आप लिख सकते हो, डैश क्यूब 3 डैश स्क्वायर प्लस 3 डैश प्लस 1. ओके, एक्स की जगह पर लिखना है माइनस 5/2, माइनस 5/2, माइनस 5/2. ओके, माइनस 5 क्यूब, 5 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स 1 to 5, माइनस 1 to 5 अपॉन 8 प्लस 5 स्क्वायर 25. ओके, वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, 3 इंटू 25 डिवाइड बाई 4 प्लस 3 5 सा. ओके, माइनस हो जाएगा 3 5 सा 15/2 प्लस 1. ओके, ये 1 है, उसको मैं एलसीएम के लिए 1/1 लिख देता हूँ. ओके, नाउ माइनस 1 to 5 डिवाइड बाई 8 प्लस 25 3 सा 75/4 माइनस 15/2 प्लस 1/1. अब मैं क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, माइनस 1 to 5 एज इट इज डिवाइड बाई 8. ओके, डिनोमिनेटर तो 8 है, प्लस 4 2 8 एंड 75 2 150. ओके, 4 के साथ मैंने कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई की, 2, देयर फॉर 75 के साथ भी क्या होगा, 2 माइनस यहाँ 8 करना है, देयर फॉर 2 4 8 एंड 15 4 60 प्लस 8/8. ओके, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बोथ दोनों के साथ मैं 8 मल्टीप्लाई करता हूँ. नाउ इक्वल टू, ओके, डिनोमिनेटर क्या हो गया, 8, देन 1 to 5 प्लस 150 माइनस 60 प्लस 8. ओके, 8 एज इट इज. ओके, 1 to 5 माइनस 1 to 5 प्लस 150 मीन्स 25 माइनस 60 प्लस 8. ओके, तो होगा, ये दोनों में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, 60 माइनस 8 क्या होगा, 52. और जो ग्रेटर नंबर है उसकी साइन सेम वे, यहां भी मैंने वही किया है. ओके, दोनों की साइन एक ही, प्लस है माइनस है. ओके, तो ये दोनों का मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ, 150 माइनस 125 क्या होगा, 25. और जो बिगर नंबर है उसकी साइन प्लस. ओके, अगेन 25 माइनस 52, 25 माइनस 52. ओके, सब्ट्रैक्शन करना है, 52 माइनस 25. ओके, 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 7 एंड
फोर माइनस टू टू, ओके तो ये होगा 27, ओके okay, अब मैं साइन देख लेता हूँ, बिगर नंबर कौन है 52 और उसकी साइन है माइनस, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा माइनस, ओके तो इट इज द रिमाइंडर, ओके हियर आवर क्लास इज ओवर, जय स्वामीनाथ।